भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में शिव की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मंदिरों के कपाट अभी भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, जिसका असर छोटी काशी मंडी में स्थित मंदिर परिसरों में भी देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और सभी जगह इसकी रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश में भी इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है, जिसके चलते प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। श्रावण मास महोत्सव भगवान शिव का बहुत प्रिय महोत्सव माना जाता है। इसमें भगवान शंकर की थोड़ी सी पूजा अर्चना का भी बहुत विशेष उसका लाभ फल मिलता है। आजकल श्रावण मास में चौतर इतना मतलब हर्षोल्लास होता था, परंतु बीमारी के इस कोरोना के कारण से इस बार सब जगह सुना सुनापन हो गया है। मंदिर सब खाली पड़े हैं, एक आदमी भी जो है दर्शन करने वाला नहीं आता है। तो परंतु भगवान शंकर की एकादश रुद्र महादेव की ऐसी कृपा की थोड़ी बहुत जो परंपरा इनकी वो बहुत ही हल्के स्तर के ऊपर प्रारंभ की है और वो थोड़ा बहुत चल रही है, जैसे तैसे भी है। आज जो है बड़े खुशी का दिन है कि आज मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम है और जो राम मंदिर की जो है बनने की अब तैयारी जो शुरू हो गई है, ये जो है भारतवर्ष में एक बहुत ही खुशी का आज दिन है। जो कई सालों से जो है एक ऐसा मसला लटका होता बिना मतलब के ही, अब उसका जो है समाधान तकरीबन मोदी जी ने कर दिया है। इसकी सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग भी जो है इसी खुशी के उपलक्ष्य में जो है शाम को यहाँ दीपक जलाएंगे मंदिर में जो है उसका इजहार करने के लिए। तो सब लोगों से हमारा भी यही है कि सब लोग इस खुशी में सम्मिलित होए और दीपक जो है रात को दीपक जो है जलाएं और श्री राम के चरणों में जो है अपनी जो है श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करें। ओम नमः शिवाय।